अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, आज हम वंडर की बुक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, फाइंड दीज स्ट्रेंज वर्ड्स इन दिस पोइम, स्पेल देम करेक्टली। हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, हमने इनको, दीज आर जम्बल्ड वर्ड्स, हमने इनको करेक्टली स्पेल करना है और हमने वही वर्ड यूज जो है वो फाइंड करने हैं जो हमारी पोइम में यूज़ हुए हैं। जैसे नंबर ए पे है नाउ रेड। नाउ और रेड से हम क्या बना सकते हैं बच्चों, ज़रा थोड़ा सा गौर करें। अगर हम लें डब्ल्यू ओ एन डी ई आर तो हमारे पास बन सकता है वंडर। अगर हम बी को लें बी एल ओ डब्ल्यू तो हमारे पास क्या बन सकता है ब्लो। उसके पास देखें ये, उसके बाद ये देखें नेक्स्ट वर्ड है पस और पो लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ से लें एस यू डबल पी ओ एस ई तो क्या बन सकता है सपोज। के स्नो, अगर हम लें के एन ओ डब्ल्यू एस तो क्या बन सकता है नोज। ये देखें इस वर्ड से हम क्या बना सकते हैं टी ए यू जी एच टी टॉट। अच्छा जी, इससे हम क्या बना सकते हैं, अगर हम लें आर ए आई एन बी ओ डब्ल्यू बो रेन बो तो क्या बन सकता है रेनबो। अब ये है ओल्ड कस। अब हम लें अगर सी एल ओ यू डी एस तो क्या बन सकता है क्लाउड्स। और फिर क्वाइट, ये वर्ड है लेकिन हमारी स्टोरी में, हमारी पोइम में यूज़ हुआ हुआ है क्वाइट, क्यू यू आई टी ई क्वाइट। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, वर्ब्स देखें, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, डूइंग वर्ड्स यानी एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। फाइंड द वर्ब्स इन द फॉलोइंग, हमने इन सेंटेंसेस में एक्शन वर्ड्स को फाइंड करना है। हु टीचेस द बर्ड्स दीज ट्रिक्स, कौन परिंदों को ये ट्रिक्स सिखाता है, कौन परिंदों को ये ट्रिक्स सिखाता है, तो इसमें क्या एक्शन हो रहा है सिखाना, तो व्हाट इज़ द वर्ब टीचेस। ही पॉइंटेड एट द रेनबो, उसने रेनबो की तरफ इशारा किया, रेनबो की तरफ क्या किया इशारा किया पॉइंट किया, सो पॉइंटेड इज वर्ब। डी डैड टेल्स मी ऑल द आंसर्स, डैड ने मुझे सारे जवाब, आपने क्या किया डैड ने बताया, जवाब बताया, सो टेल्स इज द वर्ब। वी सिंग इन क्लास एवरी डे, हम क्लास में हर रोज़ गाते हैं, लाइक यू आर सिंग इन दिस पिक्चर, सो हम क्लास में रोज़ क्या करते हैं गाते हैं, सो सिंग इज द वर्ब। अब बच्चों इनके आंसर्स भी देख लें, आपने इस तरह अपनी बुक के ऊपर राइट कर लेना है, वंडर ब्लो सपोज नोज टॉट रेनबो क्लाउड्स क्वाइट teaches pointed tells sing। Allah Hafiz।